कमिश्नर सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सूरज भगत ने श्रीनगर में डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का दौरा किया। उन्होंने आईटीआईज और पॉलिटेक्निक की कारकर्दगी का जायजा लिया। डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट सुदर्शन कुमार ने आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए कैपेक्स और जारी सिविल वर्क ट्रेनिंग स्कीमों दाखिलों स्कीमों के निफाज की मौजूदा सूरत हाल स्ट्राइव पीपीपी स्कीम मॉडल आईटीआई वगैरह के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी। इसमें लगभग जो इसके 24 पॉलिटेक्निक्स या 54 जो आईटीआईज हैं उसके तहत जितने भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट होते हैं उसका आज मैंने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू लिया। आपको पता है इस महकमे का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह से हमारी नॉर्मल डिग्रीज होती हैं हायर एजुकेशन या बाकी महकमों में वो डिग्रीज जॉब्स तक नहीं पहुंच पाती, यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं वो स्पेसिफिकली वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं उनको जो भी यहाँ से डिग्रीज मिले डिप्लोमाज मिले दे शुड लीड टू क्रिएशन ऑफ जॉब। इसके अलावा आज जो और दूसरा हमने रिव्यू किया कि अब जितने हमारे जो 18 नए पॉलिटेक्निक्स हैं जिसके बारे में भारत सरकार ने स्पेशल सैंक्शन दिया जिसमें हमारे एडवाइजर भटनागर साहब ने स्पेशल एफर्ट करके रकम भारत सरकार से लाई, तो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है उसका किस तरह से प्रोग्रेस है, तो आज मुझे रिव्यू करके बड़ा अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट वो सारे तैयार हैं और दे आर फुली फंक्शनल और जो एक आध दो जिनमें अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनको भी इसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म कर दिया जाएगा। समाजी साइंस के डिवीजन फैकल्टी ऑफ फिशरीज कॉस्ट कश्मीर ने जिला गांधरबल के रंगील में डिजिटल दौर में रिसर्च का बदलना के अनुमान से एक हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम की शुरुआत का ताल्लुक मरकजी इलाके के मुख्तलिफ इलाकों से था। इफ्तिताही तकरीब में फैकल्टी ऑफ फिशरीज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर फेरोज अहमद भट्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे शुमारियात के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर आकिल अहमद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से डॉक्टर हामिद नसीम रफियाबादी के अलावा दीगर शोबों के सरबराहान और फैकल्टी ने शिरकत की। अराकीन इस मौके पर मुकर्रीन ने डेटा का तजिया करने के लिए डिजिटल टूल्स और तकनीक की अहमियत पर रोशनी डाली ताकि मुआशरे और बिलखसूस तालीमी बरदारी की खिदमत की जा सके। प्रोफेसर डॉक्टर आकिल अहमद शुमारियात AMU के सरबराह ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शुमारियाती आलात और तकनीक की अहमियत को उजागर करते हुए सामईन को बेदार किया। कोई भी जो हमारा डिवीजन हो AEM हो यहाँ पे या हमारा AHM हो या कोई भी डिवीजन हो एट द एंड उनको हम क्या किसकी चीज की जरूरत पड़ती है जो हमारी रिसर्च है यहाँ पे जो हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स है वो यूज करने पड़ते हैं। जो हमारा प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम है जो हम यूज कर रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम ये वाली चीज़ जो है ये वाली जो गैप्स है उनको फिल करने की हम कोशिश करेंगे। जो रिसर्च हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे जो थीसिस है या हमारे जो PhD वाले जो है PhD जो हमें प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें जो हम यहाँ पे वो थीसिस वगैरह जो लिख रहे हैं उनमें जो हम ये क्या बोले उसको जो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो यूज कर रहे तो उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो जो ये वाला जो प्रोग्राम है ये बेनिफिशियल हो जाए। एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, कश्मीर यूनिवर्सिटी से, NIT से या जम्मू यूनिवर्सिटी से और बाहर की यूनिवर्सिटी से, हमने सबको रिक्वेस्ट की है जो हमारे एक्सपर्ट है तो उनको कहा कि एक एक लेक्चर के लिए कम से कम आपको यहाँ पर आना है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और हम इसमें यह है जो हमारे पास है कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर की बात आती है, हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर SPSS, MINITAB, R है जब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हम एनालिसिस।